देखिए क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, तो अभी मैंने कुछ अलग क्वेश्चन लेकर आया। डेमोग्राफिक तो आप लोग ने पढ़ा था, ठीक है, डेमोग्राफिक से मैंने क्वेश्चन लेकर आया। यूजीसी नेट के पेपर में अभी आप लोगों को सब तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, डेमोग्राफिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आपको इससे पूछा जाता है कि स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, जो स्टेजेस है उससे पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहला स्टेज, ठीक है, बहुत पुराना, हम लोग से 2-3 पीढ़ी पहले, ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं उस समय क्या था कि बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि बर्थ रेट तो ज्यादा था ही, लेकिन डेथ रेट कम हो गया क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत मेडिकल फैसिलिटी आने लगा। तो ये जो डेमोग्राफिक स्टेजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो मैंने इसी के 2 क्वेश्चंस अभी मैंने लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेज में क्या था आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ठीक है, यहाँ पे बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है। सेकेंड की बात करते हैं, हाई बर्थ रेट एंड लेस डेथ रेट, ठीक है, कि बहुत ज्यादा बर्थ रेट है और डेथ रेट बहुत कम है, या फिर लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, फर्स्ट स्टेज में अगर आप देखते हैं पुराने 1950-40, ठीक है, उस समय क्या था कि लोग बहुत ज्यादा मतलब बच्चे भी पैदा होते थे, मतलब बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था और मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं था, जिस कारण डेथ रेट भी ज्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ठीक है। तो आंसर इज ए, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया सेकंड, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा ये यूजीसी नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, वही मैंने लिखा है, ठीक है, कुछ अपने मन से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था इसलिए मैंने लिख दिया। मुझे एक जगह पे ऐसे क्वेश्चन मिल गए, दोनों मतलब ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, दोनों एक ही लाइन पे थे तो मैंने इससे भी लिख दिया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है कि इन दी सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, आपको बताना है सेकेंड स्टेज में क्या हुआ। जैसे कि अभी मैंने बताया फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा था, बच्चे ज्यादा पैदा भी हो रहे थे, मर भी रहे थे, लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या था कि बर्थ रेट ज्यादा था लेकिन डेथ रेट कम हो गया। डेथ रेट कम क्यों हो गया, बच्चे जो पैदा हुए वो तुरंत नहीं, मतलब वो डेथ रेट कम इसलिए हो गया क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी हो गया, थोड़ा बहुत लोगों को पता चला आ गया, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज ये था कि बर्थ रेट इज हाई लेकिन डेथ रेट घटने लगा बहुत तेजी से, डेथ रेट क्या हुआ बहुत तेजी से घटने लगा। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड का ए, ठीक है, इसका आंसर ए है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे क्या थे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के थे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि कॉलोनियल रूल मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कॉलोनियल रूल, ठीक है, जैसे जब ब्रिटिश आ गए, ठीक है, ब्रिटिश आ गए और हमारे देश पे जब वो कब्जा करने लगे, मतलब कि वो शुरू में बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए इस तरीके से आए और हमारे देश में जब वो कब्जा करने लगे, तो फिर कॉलोनियल रूल, ठीक है, ये क्या है आपको ये बताना है। कॉलोनियल रूल उस समय आया और आपको ये बताना है कि इस रूल का क्या असर पड़ा हमारे देश में, ठीक है। हमारे देश को तो सोने की चिड़िया कहा जाता है, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, आप वहां पे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कॉलोनियल रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे। तो सबसे पहला बात है कि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो हाथ के बने हुए चीज थे, ठीक है, वो चीज यहाँ पे यहाँ की खासियत थी, ठीक है, तो वो लेके आ गए मशीन जिसमें टाइम भी बहुत कम लगता है और तुरंत बन जाता है, कॉस्ट भी कम लगता है, ठीक है। तो लोग हैंडीक्राफ्ट खत्म होने लगे क्योंकि मशीन आ गए, लोग सोचे कम पैसे में और कम टाइम में हम लोग को तुरंत ये सामान मिल जाएगा। सेकेंड ये था कि न्यू लैंड सिस्टम, जमींदारी सिस्टम आ गया और लैंड सिस्टम आ गया, जिसके कारण भी हम लोग के देश में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। थर्ड ये है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, जो हम लोग के जो देश में अनाज की खेती
ज्यादा होती थी, लेकिन वो जब आए तो हमारे खेतों पे नील की खेती करने लगे, इंडिगो की खेती करने लगे। तो वो एक ऐसा चीज था नील, जिसमें जो जमीन की उपजाऊ शक्ति फर्टिलिटी वो खत्म हो जाती, तो इससे क्या हुआ, हमारे जो एग्रीकल्चर है उस पर बहुत ज्यादा असर बढ़ गया। ठीक है, तो ये तीनों इम्पैक्ट, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, न्यू लैंड सिस्टम, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीनों सही बात है, तीनों ट्रू है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज डी। ठीक है, इसको अगर इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ाया तो आप जाके देख लीजिएगा, इंडियन इकोनॉमी में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसका मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाया। ठीक है, अब लोग देखते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस द नेशनल इनकम कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन द ईयर। ठीक है, आपका आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो नेशनल इनकम कमिटी है वो अपॉइंट हुआ कौन से ईयर में, आपको बताना नेशनल इनकम का कमिटी कब अपॉइंट हुआ। तो ये हुआ था 1949 में, आंसर हो जाएगा इसका बी, 1949। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस थे कॉलोनियल रूल की, अगर या ब्रिटिश रूल की बात करते हैं। ये आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे इंडियन इकोनॉमिक्स से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, और ये दोनों क्वेश्चंस भी यूजीसी नेट के पेपर में आए हुए थे, इसलिए मैंने ये बताया, और मैं यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर्स में रील्स में भी बता रही हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम से बता रही हूँ, अभी तो मैं दिन में 3 रील्स में क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस में बताती हूँ। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे देख सकते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते, इसलिए क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ, और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसे सॉल्व करूँगी। ठीक है, और अगर कोई चैप्टर भी पढ़ना है तो आप उसे भी बता सकते हैं, मैं वो चैप्टर भी पढ़ाऊंगी। तो आप लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।